अपनी स्पीच में कहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए आपने तफी सिब्बल साहब जो मायावी एडवोकेट है बाबरी मस्जिद केस के लिए उन्होंने कहा तो कांग्रेस ने उनको रोका है। सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आप ही दे रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं कि वो एक मायावी एडवोकेट है, बीसी एडवोकेट है, तो शायद उनके पास देश थे नहीं थे जो उनका पर्सनल मामला है। रहा सवाल जहाँ तक बाबरी मस्जिद केस का, तो आप लंदन से लॉ की डिग्री लेके आए थे। जब आप बाबरी मस्जिद के लिए भी अगर थे वो डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुस्लिम इशूज पे वो डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हैदराबाद में कई इंकाउंटर्स हुए थे आप वो डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आप बैरिस्टर होने का फायदा क्या है? खाली आप डिबेट्स में बैठ कर काफी कॉन्स्टिट्यूट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, मगर आप कोर्ट में एक भी केस में पैर भी क्यों नहीं करते? जमीतुलमा हिंद अपने पैसों से हर इश्यूज पे एडवोकेट लगाती है सुप्रीम कोर्ट में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने तरफ से एडवोकेट्स लगाते हैं, मगर आप जब कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़ने का रहता तो आप अपने अलग बना लेते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या शरीयत के मामले में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब अपील की थी कि 100 मुसलमान उनके साथ हो गए थे, आप अपना अलग कायम कर लिए। तो फिर आप जब सबके साथ नहीं रहते हुए फिर आप अपने तरफ से जब खुद आप एडवोकेट है बैरिस्टर है तो फिर आप क्यों नहीं लड़ते मुस्लिम मसाइल पर? आप क्यों नहीं लड़ते? और इलेक्शन के वक्त भी आपको कपिल सिब्बल याद आ गए, आपको बाबरी मस्जिद याद आ गई, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के साथ थे आप, राजशेखर रेड्डी जी कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके गुण गाते रहे आप, जब आपको याद नहीं आया कि इलेक्शन की वक्ति क्यों याद आ रहा है? और एक आपने कहा है कि आपको निर्मा लाने से रोकने के लिए 25 लाख रुपए का आपको एक मालूम है डोरी देने के लिए। अरे आप महेश्वर रेड्डी साहब ने कहा है अगर से ये साबित हो जाता है कि मैंने अगर से आपको वो 25 लाख रुपए देने के लिए कहा है तो मैं सियासत छोड़ देता हूँ, मगर मैं आपसे पूछता हूँ आप ये छोटे छोटे चीजें क्यों कर रहे हैं? आप नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, आप अपना रेट गिरा रहे 25 लाख तक आ गया, कल आपको जो भी दिया हो मैं समझता हूँ सही कीमत लगाया। आप जहां तक सवाल है आप निर्मल में जा रहे हैं, शायद कल निजामबाद में भी जाएंगे, जहीराबाद में भी जाएंगे, राजेंद्र नगर में भी, राजेंद्र नगर में तो आपके पास है, जहां जहां मुसलमान ज्यादा है वहां आप जाएंगे, तो आप खुद अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स क्यों नहीं कराते? आप यूपी में जाते हैं तो 20-25 ठहराते, बिहार में जाते हैं तो ठहराते, आप तेलंगाना में आप क्यों अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं ठहराए? आप टीआरएस के लिए जाके क्यों कैंपेनिंग कर रहे हैं? आप अपने अपने कैंडिडेट क्यों नहीं ठहराए? आप अपने बस में नहीं है क्या? आपको कंट्रोल किया जा रहा क्या? और आपके भाई कहते हैं बाबरी मस्जिद के लिए 1 करोड़ आप दो, हम 10 करोड़ों पे देते हैं, ये सब ये 8-10 दिन के लिए क्यों? और हैदराबाद पार्लियामेंट की हलते में कई मस्जिदें वीरान, आप वहां क्यों नहीं देते हो पैसा? वहां क्यों डेवलपमेंट नहीं करते? आप क्यों लोगों को
पार्टी की सियासत करना, क्यों कौम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप पूरे इलेक्शन में अब तक के एक बार भी हैदराबाद के खुद डेवलपमेंट पे बात नहीं की, कोई एक बात ऐसी नहीं बताई कि हम हैदराबाद में ये किए है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल बात। लोग, मैं आपके माध्यम से लोगों से कहता हूं कि आप इनके अंदर की छुपी हुई साजिश को समझिए। आप बिल्कुल इनके बातों में ना आए, आप अपना फैसला खुद करें। और मैं आप असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको बाहैसियत तेलंगाना माइनॉरिटी चेयरमैन आपको दावा देता हूं कि आप अपने तरफ से पूरे तेलंगाना के लिए आपने जितना दम खम है लगाइए। इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है लोग कांग्रेस की सरकार इस बार बनेंगे। शुक्रिया। भाई कांग्रेस ही 10 साल तक इनको मजबूत करी, इनके खिलाफ कमजोर कैंडिडेटों को ठहरा करके उनको मजबूत बनाए, 10 साल तक जो है उनको सपोर्ट करके आज ये मुकाम पे लाई। अच्छा जो है उन्होंने बुरे नहीं थे कांग्रेस 10 साल से नहीं, कांग्रेस 40 साल से भी जब अच्छे थे कांग्रेस के लीडर में जब अच्छे थे। नहीं नहीं, हम आप इनकी सुनिए, इनकी माँ पे सलमान खुर्शीद बोल के अब तो पहलवान उम्मत पहलवान जमानत कैंसिल करा एक साल के बाद में, जिसके बाद वो लोग छह साल तक जेल में रहे। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। बशीर भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कांग्रेस की बदकिस्मती थी कि कांग्रेस ने इनका साथ दिया। अब से नहीं, जब कासिम रजवी साहब वाहिदुद्दीन ओवैसी साहब को भागदौड़ दौड़े जब से कांग्रेस इनका साथ है और आज तक भी, अब इनकी अंदर जो छुपी हुई पॉलिसी थी वो पॉलिसी को समझने में कांग्रेस को देर हो गई। हम आवाम से इस बारे में माफ़ी मांग चुके हैं और आइंदा इंशाल्लाह हमने जो कुछ किया है इनके लिए और इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस के साथ मिलकर कौम को, वो इंशाल्लाह हमारे तरफ से वो पूरा कंप्लीट करेंगे और इनकी वो पूरी पॉलिसी सामने लाएंगे। जगह सामने आ गया फिर दोबारा दोस्ती नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? सब हम इलेक्शन राहुल जी की नीति पर लड़ रहे हैं और राहुल जी ने क्लियर कहा है कि आरएसएस बीजेपी हम आए जो कम्युनल राजनीति करते हैं उनका साथ नहीं देंगे, ये क्लियर है। और राहुल जी ने चार मीनार के मंच से ये ऐलान किया है, तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी अम्मायम से कोई हमारा रब नहीं होगा। कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम कैसे रहेंगे और जो जो कैंडिडेट माइनॉरिटीज है जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ हिकमत अमली तैयार की गई स्पेशल? कांग्रेस ने इस बार 94 जो कांग्रेस मुस्लिम्स आए थे अलायंस महापुरी में 7 माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह फोरम का नॉमिनेशन हो चुका है, स्कूल में भी पूरे पास हो चुके। इस बात की दलील है कि कांग्रेस इस बार मजलिस-ए-आज़म मुस्लिमीन के अगर अच्छे कैंडिडेट्स ही है और हम पूरी तैयारी के साथ है। हमारे पास अनुकरीब हमारे नेशनल लीडर्स आएंगे और हम चांद मीनार बहादुरपुरा चंदन गुप्ता नामपल्ली मलकपेट पूरे इलाकों में पदयात्रा करेंगे, जलसे करेंगे और हमारा मैनिफेस्टो बताएंगे। वहाँ पर मैनिफेस्टो कभी जारी नहीं होता मजलिस या मुस्लिम के पास, सिर्फ इस्लामी बातें
लोगों को बताना कि वक्त बहुत बुरा आ रहा है। मैं तो आज तक समझ नहीं आया कि 20 दिन का इलेक्शन रहता उसके बाद वक्त बुरा चले जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये इनका मैनिफेस्टो रहता, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर आवाम के बीच जाएगी और हमारे पूरे बड़े लीडर्स आएंगे, हम सब मिलकर अच्छा प्रचार करेंगे, अच्छा इलेक्शन करेंगे। कांग्रेस माइनॉरिटी को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, आज तक कांग्रेस माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं करे बोलते। सर एम ए खान साहब ओसीडी से ताल्लुक रखते राज्यसभा की, केएम खान साहब उससे पहले थे राज्यसभा की, सेटविंग का चेयरमैन भी दिया गया था ओसीडी से। और जहां तक सवाल है कि कांग्रेस माइनॉरिटी को सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करती है, तो यह गलत है, ये प्रोपोगंडा है। आप खुद देखिए, रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया, 15 लाख के आसपास बच्चों को इसका फायदा हुआ। और कांग्रेस के दौर में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज आए माइनॉरिटीज के, जो आज बंद कर दिए। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हिंदू सब को लेकर चलती है। तो कुछ एक अगर से मैनिफेस्टो में कुछ एक ऐसा जैसा कि हमारे स्कीम थी आरटीआई था, स्कॉलरशिप थे, तो एक कम्युनिटी के लिए नहीं थे, सारी कम्युनिटी के लिए दिया गया। तो मुसलमान है तुमको नहीं देते, ऐसा तो नहीं हुआ आगे स्कीम में। तो ये बोलना गलत है, ये प्रोपोगंडा है। कांग्रेस की तारीफ है कि कांग्रेस पूरे कास्ट को लेकर चलती है। अब कुछ लोग होते हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए ऐसे बातें करते हैं। आप साफी है, आप समझदार है, आप जानते हैं कांग्रेस की पॉलिसी कैसी होती है। ऐसे खाइदीन को टिकट दिया गया जो गांधी भवन को तक नहीं आया। सर वो कौन से खाइदीन थे जो हमारे जो सीनियर लोग तो सर आंखों पर है, अगर से उन्होंने अगर से बोलते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला, दूसरों को मिला, तो उनका गुस्सा सर आंखों पे हमारे हम मना लेंगे। मगर हमारी पॉलिसी थी, कांग्रेस हाईकमांड चाहता था कि वहाँ पर एक मौजूद कैंडिडेट्स रहे, तो हम कोशिश करेंगे। अब जहाँ पर देखिए कांग्रेस ने हर पार्टी में ये होता है, टिकट किसी को मिलने के बाद थोड़ी नाराजगी रहती है और हमें उम्मीद है कि हमारे लोग मान जाएंगे। आप देखिए कि जितने भी हमने सीट्स दिए, कल लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, एक भी कांग्रेस का रेबल नहीं है। तो इस बात की दलील है कि हमारे लोग बहुत समझदार हैं, उनका गुस्सा हमारे ऊपर है, हम उनको मना देंगे। मगर कोई भी हमारे तरफ से पार्टी के हाईकमांड के खिलाफ नहीं गए। पुराने शहर में नए उम्मीदवारों को खड़ा कर दिए आप लोग कांग्रेस वाले, कांग्रेस में माइनॉरिटी सेक्शन वीक है क्या? देखिए साहब, माइनॉरिटी सेक्शन वीक था बोले तो यहाँ तक आए ना। कांग्रेस की माइनॉरिटी से पहले मजलिस किया तो मुस्लिम लोग कहा जाता था। कांग्रेस की माइनॉरिटी भी दारुसलाम में रहा करती थी, अब ये खत्म हो चुका है। कांग्रेस मजबूत हो गई। और जहां तक सवाल है कि नए कैंडिडेट को देने का, तो ये तो हर पार्टी में होता है। अगर से कोई मजबूत दावेदार आता है, हमको लगता है कि अच्छा इलेक्शन लड़ सकता है और वो कांग्रेस की पॉलिसी को अपनाता है, तो अगर से कांग्रेस को टिकट देती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई गलत बात नहीं। क्या रिएक्शन सामने में है? देखिए साहब, इलेक्शन कमीशन से कुछ शिकायत करने का इरादा है? जी जी जी, हम इस बारे में एप्लीकेशन बनाए हैं और इंशाल्लाह आज कल में जाएंगे। दो दिन से जो है जरा आप जैसा कि अभी बताएंगे थोड़ा नाराजगियाँ थी, उसके जरा वो बताएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि केसीआर का, तो केसीआर साहब काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, उनकी टीम पूरी मशहूर हो चुकी है कि वादे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आईमान सर मौजूद साहब जितने भी मस्जिद के जितने भी लोग हैं जिम्मेदार, वो लोग खुद जानते हैं कि ये सिर्फ जमात अच्छी है। और रहा सवाल सलीम साहब का बुलाना, वह बोर्ड के एज ए चेयरमैन रह के बुलाना, तो लोग थोड़ा सा डरते हैं कि भाई वह बोर्ड से आया है पैगाम,
हम नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो वो वजह से वो लोग जुड़ तो गए हैं, मगर मैं नहीं समझता कि वो लोग वोट की शक्ल में उनकी तरफ जुड़े हुए। मैं आपको बता रहा हूँ साहब, एक बात जब माइनॉरिटी कैंडिडेट्स किया किसी मुस्लिम कैंडिडेट्स के, ओल्ड सिटी के कैंडिडेट्स के, तो मैंने उस हद तक बताया कि वहाँ पर कोई लेवल लेना। अब जहाँ तक हमारे पूरे ऑल ओवर 94 सीट्स की बात बता रहे, हम उनको मना रहे, इंशाल्लाह विड्रॉल तक सब विड्रॉल हो जाएगी।